आज हम बात करते हैं जूलॉजी का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, और जो कि डाइवर्सिटी एवोल्यूशन के साथ सीधा सा अपना रिलेशन रखता है। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की यानी कि जूलॉजी के अंदर एक ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 11th के लिए, नीट के लिए, नर्सिंग के लिए, BSc के लिए, MSc के लिए और अदर रिसर्च ब्रांचेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच मानी जाती है। तो सबसे पहली बात आती है कि टैक्सोनॉमी टर्म आई कहाँ से, इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि इसके शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहाँ से ये शब्द लिया गया है और किस वैज्ञानिक ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो एपीडी कैंडोले नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, और इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल एपीडी कैंडोले द्वारा लिखी गई पुस्तक थिएट्री एलिमेंट्री टी ला बॉटिनिका के अंदर पहली बार ये शब्द पढ़ने के लिए मिला था, जिसका उपयोग पहली बार कैरोलस लीनियस ने एनिमल तथा प्लांट टैक्सोनॉमी के लिए किया था, और वहीं से इस शब्द को पहली बार उपयोग में लाया गया था। तो एपीडी कैंडोले ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिस बुक का नाम था थिएट्री एलिमेंट्री डी ला बॉटेनिका, जो कि ये बुक कंप्लीट ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। तो सीधी सी बात है कि ये टैक्सोनॉमी टर्म भी आपका ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ हम देखना चाहें तो टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो हमारे दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। उसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले इस बुक के बारे में बात करते हैं कि ये जो बुक है ये आपकी प्लांट यानी कि पादपों से संबंधित लिखी गई एक बुक है, जिसके बारे में प्लांट के क्लासिफिकेशन, उसका नॉमनक्लेचर, उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको उपलब्ध कराती है। इस बुक को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो इस बुक का जो इंग्लिश मीनिंग निकल के आता है वो है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इस बुक के अंदर पहली बार टैक्सोनॉमी शब्द दिया गया था। इस बुक को बाद में आगे चल के कैरोलस लीनियस ने भी स्टडी किया था, और वहीं से इस टैक्सोनॉमी शब्द को बाहर निकाल लिया और उपयोग में लाना शुरू किया। ये जो टैक्सोनॉमी शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, जिनमें से पहला शब्द है आपका टैक्सोन और दूसरा शब्द है आपका नोमोस, और दोनों ही शब्द हमारे ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। टैक्सोन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है क्लास यानी कि वर्ग, क्लास यानी कि वर्ग, और नोमोस का शाब्दिक अर्थ होता है नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, यानी कि इस टैक्सोनॉमी ब्रांच के अंदर हम एनिमल्स और प्लांट से रिलेटेड दो चीजों को स्टडी करते हैं। पहला तो क्लासिफिकेशन को अरेंज करना, यानी कि किसी भी एनिमल को उनके करेक्टर्स के बेस पर एक सीक्वेंस में अरेंज करना, और उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स यानी कि क्लासों में रखना और उनका नामकरण करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन हम टैक्सोनॉमी शब्द से ही निकाल सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी का शाब्दिक अर्थ से हम इसकी डेफिनेशन निकालें तो वो हमारा है यानी कि प्राणियों को उनके आकार के लक्षणों के आधार पर
अलग अलग वर्गों में रखना और उनका नामकरण करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। यानी कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम दो चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, एक तो प्राणियों को अलग अलग वर्गों में रख रहे हैं और साथ में उनको पहचान के लिए उनका नामकरण भी किया जा रहा है। और हम सब लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि नाम किसी भी इंडिविजुअल किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है, जिसके आधार पर हम उस वस्तु को या उस ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। यहाँ तक कि हम अपने घरों के कॉलोनियों के वस्तुओं के भी नाम रखते हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि नामकरण हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल हो, यानी कि सार्वभौमिक हो। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, भाषा बदल जाए, देश बदल जाए, लेकिन किसी भी वस्तु या प्राणी का नाम ना बदले। तो ये कहलाता है उनका नोमेनक्लेचर। अलग अलग वर्गों में रखने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है कि वर्गीकरण का मतलब यह हुआ कि प्राणियों को उनके या तो लक्षणों के बढ़ते हुए क्रम में या लक्षणों की जटिलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन को शाब्दिक अर्थ में कहेंगे वर्गों में व्यवस्थित करना। ये दोनों के दोनों शब्द आपके सिस्टमैटिक्स से लिए गए हैं। सिस्टमैटिक्स के बारे में भी सबसे पहले कैरोलस लिनियस और एपीडी कैंडोले ने काफी बहुत कुछ लिख रखा हुआ है बुकों में। और इस टैक्सोनॉमी शब्द का उपयोग पहली बार वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करने के लिए कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है हमारे? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस इनका रियल नाम नहीं है, बल्कि जब इन्होंने नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रपोज किया था तो उसके बेस पर इन्होंने अपना नाम भी उसी नामकरण पद्धति के अनुसार कर दिया गया है। तो कैरोलस लिनियस का जो वास्तविक नाम है वो है हमारा कार्ल वॉन लेने। लेकिन जब कैरोलस लिनियस ने एक पद्धति दी थी नामकरण की, जिसे हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये सिस्टम ये कहता है कि जब भी किसी इंडिविजुअल यानी कि किसी भी प्राणी या पादप का नामकरण किया जाएगा तो उसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से पहला शब्द प्राणी का वंश होगा और दूसरा शब्द प्राणी की जाति से लिया जाएगा। और वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और नामकरण करने के लिए या तो हम ग्रीक भाषा का उपयोग करेंगे या फिर हम लैटिन भाषा का उपयोग करते हैं। अब बात इंपोर्टेंट यह आती है कि हम ग्रीक और लैटिन भाषा का ही उपयोग क्यों करें, किसी और भाषा का भी तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो पहली इंपोर्टेंट तो बात यह है कि जितने भी ऑथर्स और जो राइटर्स हैं वो या तो ग्रीक से हैं या फिर तो जब वो ग्रीक से हैं तो अपनी लोकल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेंगे। पहली इंपोर्टेंट बात तो ये हुई। दूसरी इंपोर्टेंट बात ये है कि हमने एक बात कही थी नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण यूनिवर्सल होना चाहिए। तो यूनिवर्सल होना चाहिए तो उनको एक ऐसी भाषा में लिखना चाहिए जिसका कोई दूसरा कोई तोड़ हमारे पास ना हो, यानी कि हम ऐसी एक डेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, मृत भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिसको बहुत कम स्थानों पर बोला जाता हो। जैसे कि संस्कृत है आपकी एक डेड लैंग्वेज मानी जाती है, उर्दू को हम डेड लैंग्वेज नहीं कह सकते क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज, हिंदी को केवल कुछ इंडियन कंट्रीज में बोला जाता है, इसलिए इस भाषा का भी हम इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज होने का मतलब है कि ग्रीक और लैटिन दो भाषा ऐसी हैं जो केवल ग्रीक के अंदर बोली जाती हैं, पूरी दुनिया में किसी कोने में नहीं बोली जाती, इसलिए हमारे पास इनका कोई एक्सेप्शन नहीं रहता है, इसलिए हम इनको डेड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत हमारी काफी पुरानी भाषा है, भाषाओं की जननी मानते हैं,
उसके सम्मान के लिए है, लेकिन संस्कृत का हम उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि काफी क्लिष्ट भाषा है और हर व्यक्ति इसका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाता। तो कुछ चीजें हमारे और भी होती हैं, इसलिए चीज को हम ध्यान में रखते हुए कि केवल यहाँ पे ग्रीक या फिर लैटिन भाषा का उपयोग करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम चार चीजों को स्टडी करते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि सजीव की पहचान करना, कि सजीव की पहचान कैसे की जाए, कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि ये सजीव यहाँ का है या ये सजीव वहां का है, कि ये संघ प्रोटोजोआ का है, कि ये संघ पॉलीफेरा का है, किस फाइलम का मेंबर है ये। इस चीज का पता लगाने के लिए हम टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ते हैं वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं पहचान करना। तो पहचान करने के लिए हम किसी भी प्राणी के हैबिटेट का पता लगाते हैं और उसके हैबिट का पता लगाते हैं। हैबिटेट का मतलब है कि प्राणी किस आवास में रहता है। आवास जैसे कि हमारे स्थलीय आवास है, जलीय आवास है, वायवीय आवास है, तो उस आवास के आधार पर हम पता लगाते हैं कि प्राणी किस आवास पर रहेगा और वो किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, उनके आधार पर प्राणी की पहचान की जाती है। बात यह आती है कि क्या स्थान को ही हम आवास कहें या आवास को हम स्थान कहें। तो सीधी सी बात है कि आवास किसी भी प्राणी का वह स्थान होता है जो कि उसको सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, तो ऐसा स्थान उसके लिए आवास कहलाता है। लेकिन हर स्थान हमारे लिए आवास की तरह कार्य नहीं करता। सपोज दैट हम पानी में तैर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल हमारे लिए स्थान तो है लेकिन आवास नहीं है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां हमारे अनुकूलित नहीं है, या फिर हम ये कहें कि हमारे जो लक्षण है जल में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। तो ये हुई हमारी विशिष्ट पहचान। तो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट होता है वो है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जिसे हम बोलते हैं नामकरण। नाम किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु की सबसे विशिष्ट पहचान होती है, यानी कि हम बात कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे जरूरी होता है किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी को एक विशिष्ट नाम देना। और नामकरण करने के लिए हमारे पास दो सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें हम द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति के नाम से जानते हैं, और जीव विज्ञान के क्षेत्र में आज भी इनका उसी तरीके से उपयोग किया जा रहा है। तथा जंतुओं के नामकरण करने के लिए हम ICZN की पद्धतियों के जो नियम दिए गए हैं उनके आधार पर हम किसी भी प्राणी का नामकरण कर सकते हैं। अपनी तरफ से हम कोई भी नामकरण नहीं कर सकते। तो तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि प्राणियों को उनके लक्षणों की जटिलता के आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में हमने देखा होगा कि हम कपड़े भी रखते हैं, मसाले भी रखते हैं, औजार भी रखते हैं, किचन के कई सारे सामान हैं, और भी वस्तुएं हैं, जूते चप्पल हैं, सब हमने देखा होगा कि जब हम किसी मार्केट या मॉल में जाते हैं तब भी हम देखते हैं कि वहां पर वस्तु हमें एक क्रम में व्यवस्थित तरीके से दिखाई देती है। जैसे आप सभी मसालों को कपड़ों के साथ नहीं रख सकते और कपड़ों को मसालों के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं और दोनों की उपयोग भी अलग अलग है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो जंतुओं के अंदर जो व्यवस्थित करने का जो क्रम है उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे वर्गीकी अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब है या तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें या घटते हुए क्रम में उनको व्यवस्थित किया जाए। यानी कि हम कहें तो वर्गीकरण की अगर सबसे बड़ी इकाई देखें तो वह है आपकी फाइलम, जिसको संघ के नाम से जाना जाता है। और पहली बार ये शब्द हक्सले द्वारा वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और उनका कहना था कि संघ वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। तो संघ से हम जाति की तरफ जाते हैं तो लक्षणों की जटिलता बढ़ेगी, और जाति से संघ की तरफ आएंगे तो लक्षणों की जटिलता घटेगी। इसका मतलब कि संघ वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है और जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। तो वर्गीकी क्रम को हम इस क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, पहला संघ यानी कि फाइलम,
दूसरा वर्ग है हमारा क्लास यानी कि वर्ग, तीसरा है अपना गण यानी कि ऑर्डर, चौथा है अपना फैमिली यानी कि समूह, और उसके बाद आता है अपना वंश यानी कि जीनस, और उसके बाद अपनी आती है जाति यानी कि स्पीशीज। तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, जिनमें से वर्ग और गण, वंश, इन तीन शब्दों का उपयोग कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तकों में किया था। कैरोलस लिनियस ने अपनी पूरी लाइफ में 54 बुक्स लिखी थी, जिनके अंदर केवल पादप और जंतुओं का नामकरण और वर्गीकरण दिया गया है। लेकिन आज भी हम ये कहते हैं कि हमने सभी एनिमल्स और पादपों के नामकरण और वर्गीकरण करना संभव नहीं हो पाया है, यानी कि ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। इसीलिए हम बायोलॉजी के बारे में एक बात कहते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हर रोज विकसित होती है, हर रोज मरती है और हर रोज नई जिंदा हो जाती है, क्योंकि ये सजीवों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें से संघ शब्द हसले द्वारा दिया गया है, वर्ग, ऑर्डर और वंश, ये तीन शब्द आपके कैरोलस लिनियस द्वारा दिए गए हैं। लेकिन जाति शब्द का उपयोग कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में कहीं भी नहीं किया है, बल्कि उनका केवल इतना कहना था कि जाति एक काल्पनिक शब्द है जो कि वैज्ञानिकों द्वारा अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के लिए सबसे छोटी इकाई के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अर्नेस्ट मायर, तो अर्नेस्ट मायर ने जातियों की परिभाषा के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम रखा गया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में हम कल बात करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।